हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है। वेलकम टू लॉजिक ट्यूस। और हम लोग अपने वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल सीरीज में पढ़ रहे थे क्रिएट योर ओन ब्लॉग। ओके, सो क्योंकि लास्ट हमारे वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल से एक आर्टिकल का लिस्ट बनाया था और फिर काफ़ी समय हो गया और मैंने उसे रिपीट नहीं किया। सो ओके, दैट्स माई मिस्टेक। अब क्योंकि एवरीथिंग इज़ न्यू टेक्नोलॉजी, हम एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और न्यू एडिटर के साथ में हम एक न्यू स्टाइल से अब उसे बनाएंगे। और साथ ही में मैं चाहता हूँ कि अब जब हम ब्लॉग बना रहे हैं और हम थोड़ी बहुत स्टाइलिंग जानते हैं तो हम उसे स्टाइल्स करें, ठीक है? तो हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप का अपने ब्लॉग का क्रिएट करने के लिए। तो साथ ही में आप बूटस्ट्रैप भी सीखते रहेंगे। और बूटस्ट्रैप सीखने के लिए अगर आपको और डिटेल्स में सीखना है तो आप मेरे बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल में जाके सीख सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि अब मैं एक न्यू फोल्डर पे काम करने जा रहा हूँ, न्यू वेबसाइट पे काम करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने सर्वर के अंदर XAMPP के अंदर STDocs के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है? एंड मैं इसमें लिखता हूँ ब्लॉक ट्यूट। ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर हम काम करेंगे। तो इस फोल्डर को हम खोल लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉक ट्यूट, ठीक है? तो मेरी इंडेक्स फाइल कुछ ऐसे दिख रही है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है कि इस फोल्डर में मुझे अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है, ठीक है? तो मैं बूटस्ट्रैप का यूज करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हम अपने वेब ब्राउजर पे चलते हैं, लिखते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है? एंड इस फर्स्ट लिंक पे जाते हैं, डाउनलोड बूटस्ट्रैप करते हैं एंड डाउनलोड बूटस्ट्रैप पे क्लिक कीजिए, ठीक है? और अब आपके पास एज ए जिप बूटस्ट्रैप का फोल्डर आ चुका है। तो हम बूटस्ट्रैप में चलते हैं और इन फोल्डर्स के को अपने फाइल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसी में आए, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखेगा, ठीक है? या फिर आपको एक बेसिक टेम्पलेट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? तो हम इस बेसिक टेम्पलेट को कॉपी करते हैं, क्लियर है? अब मैं जो न्यू टेक्स्ट एडिटर यूज करने जा रहा हूँ वो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो हम इस एडिटर को खोलिए, फाइल में न्यू फोल्डर हम इसमें इंक्लूड करेंगे ताकि हमारे फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स हैं वो हमें डायरेक्टली एक्सेस यहाँ से मिल जाए, हमें बार बार फोल्डर खोलने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है? तो यहाँ से आने के बाद मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया था, ओके ब्लॉक ट्यूट, सॉरी, ओके। सो यहाँ पे आने के बाद अब मैं उस कोड को कॉपी एंड फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, एंड सेव करता हूँ मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी से, ठीक है? वेरी सिंपल। अब मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? सबसे पहले तो मैं अपना टाइटल चेंज कर लेता हूँ, सो ब्लॉक ट्यूट, ब्लॉक ट्यूट, ओके, न्यू ब्लॉक, ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को तोड़ते हैं ताकि हम एक ही पेज में सारे इतने सारे कोर्स को हैंडल ना करें। तो उसके पहले हमें क्या करना है, अपने CSS को लिंक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो CSS है अभी, ठीक है, वो CSS फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके पास बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS है कि नहीं। तो हमारे पास एक CSS फाइल है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। तो अब यहाँ पे आते हैं एंड नेक्स्ट हमारे पास ये जो लिंक आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लिंक ऑटोमेटिकली गूगल के एजेक्स के लाइब्रेरी को कॉल कर रहा है, ठीक है? तो जब आप एजेक्स यूज करते हैं तो आप इस लाइन की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है? आपको एजेक्स के बारे में और पढ़ना है तो मैंने एजेक्स के ट्यूटोरियल्स ऐड किए हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज, JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल। सो जावास्क्रिप्ट फाइल हमारी यहाँ पे है, बूटस्ट्रैप मेन डॉट JS, ओके। सो हम JS में जाके देखते हैं, बूटस्ट्रैप मेन डॉट JS, तो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे है। हम एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है ये दो लाइन में दिख रही है और ये बहुत लंबी फाइल है, मैं व्यू में जाता हूँ और वर्ड रैप क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो आपको अब ये जो कोड दिख रहा है ये आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक मिनिमाइज्ड फाइल है, ठीक है?
और कोड्स को कंप्रेस कर दिया गया है ताकि फाइल का साइज ज्यादा ना हो। सिमिलरली बूटस्ट्रैप में भी मैं वर्डप्रैप डाल देता हूँ। तो अब क्या हुआ, सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इस तरह के कोड्स जो है ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। तो अब इन कोड्स को चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी एंड अपने ब्राउजर में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी एस एस कोड ब्यूटिफाई। ठीक है, तो कोड ब्यूटिफायर इसे नहीं, ओके ठीक है, इस लिंक पे जाइए, अपने सीएसएस को पेस्ट कर दीजिए एंड ब्यूटीफाई पे क्लिक कीजिए। अब आपके पास जो कोड आया उस सारे कोड को कॉपी कीजिए और इस पुराने कोड को आप रिप्लेस करके सेव कर दीजिए। तो अब आपको इजीली समझ में आ रहा है कोड कि किस तरह से ये लिखा गया है। सिमिलरली हम क्या करेंगे अपने जेएस के लिए भी करेंगे। तो मैं जेएस के सारे फाइल्स को कॉपी कर ले रहा हूँ, सारे डेटा को कॉपी कर ले रहा हूँ एंड यहाँ चलते हैं जेएस कोड ब्यूटिफाई, jsbeautify.org पेस्ट कर दीजिए इसे एंड ब्यूटिफाई जावास्क्रिप्ट। अब इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो गया हमारा कोड और अब हम शायद रेडी हैं हमने अपने वेबसाइट को देखने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने वेबसाइट में, ये सारी चीजें बंद कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप इजीली लोड हो चुका है। तो फास्ट एंड फ्यूरियस हम बॉडी के अंदर अपने सारे कोड्स को एडिट करते हैं। हाँ, बट उसके पहले हमें अपने वेबसाइट को ब्रेक करना था। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स हेड पे आते हैं। पहले हम हेड को अलग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हेड जो है वो हर एक पेज में यूज होने वाला है। तो हम उसे बार बार एडिट ना करने के, बार बार पेज में इंक्लूड करने के बजाय एक फाइल बना देते हैं और उससे हम हमेशा उसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। तो हमने साइट हेड डॉट पीएचपी जैसे उसे सेव कर दिया और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा क्या, पीएचपी इंक्लूड वंस एंड देन यहाँ पे अपने फाइल का नाम साइट हेड। ध्यान रखिए फाइल के साथ आपको नेविगेशन भी देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास सेम फोल्डर पे फाइल है तो आप डायरेक्टली फाइल नेम लिख सकते हैं, या फिर आपने किसी और फोल्डर पे लिखा है तो उस फोल्डर का नेविगेशन देना पड़ेगा। सिमिलरली हम स्क्रिप्ट के साथ भी ये चीज करेंगे। वो कंट्रोल एक्स न्यू फाइल, कंट्रोल वी, सेव कीजिए इसे साइट स्क्रिप्ट डॉट पीएचपी। ठीक है, एंड फिर हम इसे कॉल कर लेते हैं किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत ही सिंप्लीफाइड टेम्पलेट हमें पास आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम चलते हैं और इन दोनों फाइल को बंद कर दीजिए। आप चाहे तो इन लाइंस को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। याद रखिए ये जो दो लाइंस है ना, ये से जो तीन लाइंस हैं, इन तीन लाइंस को बूटस्ट्रैप के रूल्स के थ्रू आपको सबसे ऊपर रखना होगा, जो कि आपके हेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन फाइल्स को आप क्लोज कर दीजिए, स्क्रिप्ट को भी क्लोज कर देते हैं। अब बॉडी के अंदर आते हैं। सो बॉडी के अंदर तो हमारे पास एक लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड एंड H1 क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आप रिफ्रेश करके देखिए हेलो वर्ल्ड हमारे पास है, क्लियर है। अब आपको अच्छे से दिखेगा। अब हम थोड़ा सी स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। सो मैं एक डिव कॉल करता हूँ, डिव के अंदर क्लास दैट इज कंटेनर एंड रिफ्रेश करता हूँ। तो क्या होता है कि कंटेनर जो है वो एक डिवीजन का क्लास है जो हमको साइड बाय साइड ऑटो मार्जिन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और उसकी एक फिक्स विड्थ है। तो ये सारी चीजें आप बूटस्ट्रैप के एग्जांपल में सीख सकते हैं। तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ जरा। ठीक है, एंड न्यू आवर न्यू ब्लॉक एंड
तो अब हम लोग अपने ब्लॉग के कंटेंट्स डालेंगे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, ठीक है। तो मैं एक चीज और कर रहा हूँ कि अपने ब्लॉग के कंटेंट्स यहाँ डालने के बजाय, अगर मान लीजिए उन कंटेंट्स को मुझे किसी और पेज में भी शो करना हो अपने ही वेबसाइट में, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपने कंटेंट्स को डिजाइन करने के बजाय मैं अपने कंटेंट्स को एक न्यू फाइल में डिजाइन करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा उसे अपने पुराने फाइल में कॉल कर लूंगा, सिंपल है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ प्लगइन, ओके, एंड यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ जैसे blog.php, ठीक है। एंड मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सिंपली इको कराता हूँ भी दिस इज माई ब्लॉग एंड सेव कर देता हूँ। सिमिलरली मैं अपने इंडेक्स फाइल में आता हूँ और उस पर्टिकुलर ब्लॉग को कॉल कर लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ब्लॉग बट साथ में प्लगइन का नेविगेशन भी डालना पड़ेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं दिस इज माई ब्लॉग यहाँ पे अपीयर हो रहा है, क्लियर है। तो अब मुझे इंडेक्स फाइल की भी जरूरत नहीं है, अब जो भी मैं काम करूंगा अपने ब्लॉग के अंदर करूंगा, क्लियर है। तो ब्लॉग के अंदर इन कोट्स को हटा दीजिए, वो हमने सिर्फ टेस्ट के लिए डाले थे। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ ब्लॉग अपडेट्स डेफ क्लास इक्वल्स टू कंटेनर के अंदर मैं एक कंटेनर बना रहा हूं अभी, हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मुझे उसे रिफाइंड रखना है, तो मैं कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर बना रहा हूं। और अब मैं चलता हूं और रोज बनाता हूं, तो डेव क्लास इक्वल रो ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास जो चीजें रहेंगी वो रहेगा मेरे पास S3 आर्टिकल 1 या न्यू आर्टिकल जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सब हेडिंग है और यहाँ पे मेरे पास न्यू आर्टिकल है, बट मुझे क्या करना है, मुझे एक आर्टिकल नहीं बहुत सारे आर्टिकल दिखाने हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही किया था, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा PHP को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सीधा PHP और मैं फॉर लूप्स के साथ में क्या कर रहा हूँ इस डिवीजन को मैं 10 टाइम्स शो कर देता हूँ इस पर्टिकुलर रो को, है ना। तो उसके लिए फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड इस कोड को मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, फिर से PHP ऑन कर देता हूँ और इस PHP को यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो कोड है मैं इसे कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि देखिए ये PHP के मैनुअल में या फिर PHP के ट्यूटोरियल में आप जाके पढ़ सकते हैं कि फॉर लूप का किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये PHP डिफाइन कर रहा है क्या कि फॉर 0 से लेस देन 10, अगर मैं लेस देन इक्वल टू लिखता तो वो 11 टाइम्स फॉर लूप रन होता, बट लेस देन 10 में एग्जैक्टली 10 टाइम्स रन होगा, ठीक है। सो फॉर 0 से आई इक्वल लेस देन 10 क्या हो मुझे ये शो करा है, इसलिए मैंने इस कोड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेव कर दीजिए और रन कीजिए। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 10 आर्टिकल्स हैं। तो अब मुझे कोई आर्टिकल के अंदर आर्टिकल्स को जैसा भी शो करना है अपने पेज के अंदर, वो कहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ, क्लियर है। तो अब इस रो के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ दो कॉलम बनाता हूँ। सो डिव क्लास इक्वल्स टू कॉल MD3 से एंड
डिव। और अगर आपको बूटस्ट्रैप का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि बूटस्ट्रैप रो के कॉलम्स को 12 सेक्शंस में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये सेक्शन बताता है कि उन 12 में से 3 पार्ट मैं इधर यूज कर रहा हूँ और बचे हुए जो 9 पार्ट है मैं उधर यूज करूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने फर्स्ट 3 पार्ट में एक इमेज डालूंगा। तो उसके लिए मैं img कॉल करता हूँ, सोर्स इक्वल्स टू, मैंने अभी कोई इमेज लोड नहीं किया है, ठीक है। एंड मैं इसके साथ क्लास यूज करता हूँ जो कि होगा img एंड img स्क्वायर। आपको समझ में आएगा भी ये क्या है। मैं फटाक से अपने फाइल्स में चलता हूँ, पिक्चर्स के अंदर कोई भी एक पिक्चर लेते हैं, लेट्स से ये सी, एंड इसका इसे अपने इमेज फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं। और इसका नाम बहुत गंदा सा है, सो मैं इसे चेंज कर देता हूँ लाइक टेस्ट, ठीक है। एंड देन सोर्स में आते हैं और यहाँ लिखते हैं img/test.jpg सेव। अब देखिए क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो इमेजेस है ये अपने फुल साइज में अभी आ गए, लेकिन मुझे इसे चेंज करना है, तो img thumbnails, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए नॉर्मल इमेज के साथ में मेरे पास सिर्फ ये इमेज था, बट स्क्वायर ने क्या किया कि मेरे इमेज को एक साइड में बॉर्डर दे दिया और उसके शेडो दे दिया। आप स्क्वायर को चेंज करना चाहे तो आप सर्कल कर सकते हैं एंड इस तरह से फिर आपका देखेगा, बट दिस डोंट लुक गुड, तो मैं इसे स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। एंड अब अगर आपको इमेज का साइज ज्यादा लगे तो आप इसे यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस थंबनेल क्लास के थ्रू इमेज की जो विड्थ होती है वो मैक्सिमम आपके पेज के साइज जो कॉलम है उसके साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मैंने उसे एडजस्ट कर दिया, ओके। एंड अगर मुझे रोज के बाद में थोड़ा सा गैप चाहिए तो मैं एचआर एक लगा देता हूँ, या फिर आप बी आर ब्रेक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे चीजें मिल रही हैं, गुड। अब यहाँ चलते हैं और मुझे हेडिंग देना है, तो हेडिंग के लिए H3 एंड this is a new article, save। और मान लीजिए कि आपको साथ में कुछ टेक्स्ट भी डालना है, तो p so simply in this video tutorial we are going to learn ठीक है। अगर और आपको कुछ ऐड करना हो तो आप ऑथर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक स्टाइल यूज करता हूं, ये HTML5 फॉर्मेटिंग का टैग है, तो एंड सिंपली ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, मेरे पास सारे मेरे डेटास आ गए, ओके। लेट इट बी, बाद में देखते हैं, ओके। तो अब मेरे पास जो ब्लॉक का लुक है वो रेडी है, ठीक है। तो हमारे पास 10 आर्टिकल्स का जो पेज है वो रेडी है। अब हमें जाके इसकी बैकएंड की कोडिंग करनी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, बट इस क्लास में थोड़ा स्टाइल्स लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स बना लिए, ठीक है। तो इसे सेव कर दीजिए एंड फिर
नेक्स्ट क्लास में आइए, हम इसके बैकएंड की कोडिंग करेंगे और अपने आर्टिकल्स के जो डेटाज हैं वो डेटाबेस से लेकर के आएंगे, ठीक है। सो कंट्रोल सेफ एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।